सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का, इतनी तादाद में यहाँ मौजूद है, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी से आप लोगों ने मुझे 5 साल पहले जितवाया था और इतने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जितवाया था, पूरे 5 साल हो गए। मैंने पूरी ईमानदारी से काम करा है, फिर भी कुछ कमी रह गई होगी, 100% नहीं होता है, अगर कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना, और उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने लिए ताली बजा लो जोर से, क्योंकि जब झोपड़ी वाली पोलिंग खुली थी, जब वहां गिनती चल रही थी, तो इसमें 899 वोट थे, सिर्फ 8 वोट बीजेपी को गए थे और बाकी 891 वोट मुझे मिले थे। तो ये जो एहसान है, ये मैं जिंदगी भर तक उतार नहीं सकता, क्योंकि मुझे इतनी मोहब्बत मिली है अंग्रेज बिरादरी से, मैं ये एहसान आपका उतार नहीं सकता। इलेक्शन आते हैं, नेता आते हैं, चले जाते हैं, हर 5 साल में एमएलए का इलेक्शन आता है, फिर आ गया, मैं भी आ गया, उसके बाद एमपी का इलेक्शन आ जाता है, उसके बाद काउंसलर का इलेक्शन आ जाता है। तो मैं आपसे एक और शुक्रिया करना चाहता हूं, आपने आम आदमी पार्टी से नेता सलाहुद्दीन जी को जिताया, आप इसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का, कि आप लोगों ने मेरी इज्जत रखी, उसमें ही मेरी इज्जत रखी आप लोगों ने। और आप सब लोग जानते हैं कि आज क्या माहौल है, आज का माहौल सिर्फ दिल्ली के अंदर जो इलेक्शन चल रहा है, एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस कहीं नहीं है, है कहीं कहीं नहीं है। तो मेरे भाई, ये एमपी का इलेक्शन नहीं है, ना काउंसलर का इलेक्शन है, ये दिल्ली में दिल्ली सरकार बनाने का इलेक्शन है, और ना कांग्रेस के पास ना बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है जो केजरीवाल साहब के सामने खड़ा होके इलेक्शन लड़ सके और दिल्ली में मुख्यमंत्री की कमान संभाल सके। तो हमें बहुत समझदारी से, बहुत सूझबूझ से काम लेना है, क्योंकि अभी क्या होता है, मैंने देखा है कांग्रेस के पास वर्कर नहीं है। एक मिनट नेताजी, एक मिनट, हाथ मत लगाओ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास इस वक्त कुछ नहीं है, वो 2 आदमी भेजते हैं बाड़े के अंदर, कह देंगे नबी करीम में तो ये चल रहा है, 2 आदमी भेज देंगे बल्ली बारान में, कह देंगे कसाबपुरे में तो कांग्रेस चल रही है भाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सब जगह, और यही नहीं पूरी दिल्ली में, चाहे ओखला हो, चाहे करोल बाग हो, या सदर बाजार हो, या चांदनी चौक हो, कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ केजरीवाल चल रहा है, केजरीवाल चल रहा है, केजरीवाल चल रहा है, और झाड़ू चल रही है। तो हमें बहकाए में नहीं आना, ये बहुत, क्योंकि हम लोग जो है सीधी राह पे चलने वाले हैं, इसलिए सीधी बात कर रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं। ये लोग आखिरी वक्त के अंदर पर्चे भी बांट देते हैं, ये सब कुछ कर देते हैं, इस वक्त चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों सिर्फ बांटने की राजनीति कर रही है, दोनों शाहीन बाग पे वोट मांग रही है और कुछ नहीं कर रही है, और दोनों की सरकार नहीं बन रही है दिल्ली के अंदर, चाहे दिल्ली के अंदर हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस वक्त सब लोग दिल्ली के अंदर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और इसलिए बनाना चाहते हैं, उन्हें पता है कि 5 साल पहले कैसे गुजरे और आगे उन्हें कैसा, कैसी सरकार चाहिए, उन्हें ऐसा आदमी चाहिए जो अगर स्कूल बनाए तो उसमें हिंदू का बच्चा भी जाए, मुसलमान का भी जाए, सिख का भी जाए, ईसाई का भी जाए, अगर बिजली के बिल कम हो, आधे हो, या 200 यूनिट माफ हो तो सबके माफ हो, अगर कैमरे लगे तो सबकी कॉलोनी में लगे, अगर वाईफाई लगे तो सबके लिए लगे, सड़कें बने सबके मोहल्ले में बने, सीवर लाइन डले सबके यहां डले, पानी आए तो सबकी टोटी में आए, हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसा ही चाहिए ना। तो बहकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ये इलेक्शन जो है, ये तारीख लिखने जा रहा है, और ये वो तारीख लिखने जा रहा है, पिछली बार जो वोट दिया था आप लोगों ने, वो वोट दिया था बदलाव के लिए, और 70 में से 67 सीटें देके केजरीवाल को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाया था, लेकिन आज जो आप वोट दे रहे हो, आज हमारे हिंदू भाई भी वोट दे रहे हैं, मुसलमान भी दे रहे हैं, सिख भी दे रहे हैं, ईसाई भी दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं, वो काम के ऊपर वोट दे रहे हैं, काम के ऊपर वोट दे रहे हैं, और 70 में से 70 सीटें केजरीवाल जी को दे रहे हैं। आज ये हमसे पहचान पूछते हैं,
हमसे ही नहीं, टीवी पे देखा होगा इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। पिछले 5 साल पहले हिंदुस्तान के लोगों ने केंद्र के अंदर भाजपा सरकार बनवाई थी, माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाया था, उसके बाद दोबारा भी ऐसी लहर आई और फिर बनवा दिया। लेकिन आज दिल्ली के अंदर भाजपा के पास ना तो कोई नेता है जो केजरीवाल जी की टक्कर का हो, और ना ही कोई उनके पास आगे मुद्दे हैं। उनके पास सिर्फ शाहीनबाग का मुद्दा बचा है, उनके पास ये मुद्दा नहीं है। वो आके ये नहीं कह रहे हमने 100 स्कूल बनवा दिए हिंदुस्तान में, हमने 100 अस्पताल बनवा दिए, हमने रोजगार दे दिए, हमने 15 लाख दे दिए, या हमने GDP बढ़ा दी, या हमने इतने कारोबार बाहर से लिया है, या इतने लोगों को फैज पहुंचा दिया, बिजली के दाम कम कर दिए, पेट्रोल के दाम कर दिए, बल्कि बढ़ाए। काम कुछ नहीं करा, सिर्फ क्या काम करा है, भाई से भाई को लड़ाने का काम करा है। तो हमें इन लोगों को जवाब देना है, और इनको जवाब खाली हम ही नहीं दे रहे, पूरी दिल्ली के लोग दे रहे हैं, सारी दिल्ली के लोग दे रहे हैं, हर मजहब के लोग दे रहे हैं, हर धर्म के लोग दे रहे हैं, और दिल्ली के अंदर दोबारा केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? 70 में से इंशाल्लाह 67 सीटें दिल्ली में, क्योंकि मेरे सब भाई यहां मौजूद हैं, मेरे बुजुर्ग भी मौजूद हैं, और जहां जहां तक मेरी माँ बहनें मेरी आवाज सुन रही है, मेरी सबसे गुजारिश है कि आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा और केजरीवाल जी के लिए भी दुआ कीजिएगा। और दूसरी बात ये, जहां जहां भी आप लोगों की दोस्ती है, रिश्तेदारी है, या जान पहचान है, और माशाल्लाह कुरेश नगर के लोगों की दुकानें जो है वो पूरी दिल्ली की हर कॉलोनी में, आपको हर जगह जो है यही प्रचार करना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनवानी है, झाड़ू पे वोट डलवाना है इंशाल्लाह। मैं आपसे वादा करता हूं, दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को आज क्या जरूरत है, बल्कि दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में क्या जरूरत है, आज लोगों को रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई चाहिए, हमारे लोग जो बीमार हो जाते हैं उनको अस्पतालों में अच्छा इलाज चाहिए, साफ सुथरा पानी चाहिए, सड़क चाहिए, सीवर चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए, और सबको यही चाहिए। और आज जो वोट हो रहा है वो काम के ऊपर हो रहा है, लेकिन ये लोग खाली बांटने की राजनीति करते हैं। मेरी आप लोगों से अपील है, आने वाली 8 तारीख को सब लाओ, सब लोगों को केजरीवाल बनना है। कौन कौन बनेगा? सभी बन जाओ, और अपना वोट डालना है अपने घर वालों का, उसके बाद अपने रिश्तेदारों को डलवाना है। इतना खटका दबाना है, इतना खटका दबाना है एक नंबर का झाड़ू का, कि लोकसभा तक आवाज जानी चाहिए कि विधानसभा में केजरीवाल, दिल्ली में केजरीवाल। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, और देखिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं यहां, क्योंकि सब मेरे लोग भाई हैं, बुजुर्ग हैं, अजीज हैं, मैंने पूरी ईमानदारी से काम कराया, जितना बजट आया सारा का सारा इलाके में लगाया। हमारी विधानसभा में 3 स्कूल बन के तैयार हैं, एक आपका यहाँ शेर के पिंजरे पे, एक बस्ती जुलान के सामने, और एक 32 कमरों का स्कूल बन रहा है बल्ली मारन में, और एक इनसे पूछ लो, मैंने भी पूरी ईमानदारी से काम करा। भाई एक बात और कहना चाहता हूं मैं, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, या मेरे किसी वर्कर से या नेताजी से भी हो गई हो तो भाई माफ कर देना, दिल में मत रखना, तुम्हारे ही है, सबके हो, सबके है भाई ये, तो अपना वोट बटने मत देना। और मेरी उन भाइयों से अपील है जो कुछ हमारे भाई कांग्रेस में लगे हुए हैं, या कुछ हमारे भाई BJP में लगे हुए, मेरी उनसे भी अपील है कि इस बार वोट जो है वो फिरका परस्ती के खिलाफ देना है, क्योंकि इस बार जो मुकाबला है आम आदमी पार्टी और भाजपा का मुकाबला लोग बता रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना भाजपा से मुकाबला है ना कांग्रेस से मुकाबला है, 70 में से 70 केजरीवाल। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। एक नंबर पे है बटन अपना, एक नंबर पे झाड़ू के सामने वाला बटन। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।